हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे सूरज ट्रिपल सी तैयारी चैनल में। आज के इस वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित जो वीडियो एग्ज़ाम 2018 23 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, उसमें आए हुए पेपर का सोल्यूशन कराएंगे और बताएंगे कैसे पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, जिससे आप सभी लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं, आगे समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे से अच्छी न्यूज़ पाने के लिए, अच्छे अच्छे नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन था, ये पेपर था 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का, जिसमें पहला क्वेश्चन था, ये हिंदी पोर्शन हम सॉल्व करा रहे हैं। लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि यौगिक। यानी यौगिक जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर दिए गए शब्दों में से अलग है। अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि दूध। अगला क्वेश्चन, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है निजवाचक, यानी कि जो आप शब्द है निजवाचक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अनाड़ी। और क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिमाणवाचक। अगला है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है धातु, यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूँ, इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वहां। आठवा है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी भर जो शब्द है ये अवयव शब्द है। दसवां है, निम्नलिखित में कौन से विचित्र का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी विलक्षण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अमृत का विलोम है? तो अमृत का विलोम होता है विष। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा निंदा का विलोम शब्द होगा? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, यानी प्रशंसा करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश को कोई नहीं टाल सकता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान के स्थान पे आएगा बी, नियति। नियति को कोई नहीं टाल सकता। 14 नंबर है, अपने डैश डैश के लिए लड़ना धर्म है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, यानी स्वत्व, सत्य के लिए लड़ना धर्म है। 15 नंबर है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर था बी, यानी जो नियमा अनुकूल ना हो। 16 है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि आक्रांत। 17 है, गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर करने का मुहावरे का उचित जो है वो है सी नंबर, यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। 18 क्वेश्चन नंबर है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर है आ डी, यानी कि हार मान लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बहुत कंजूस होना। 20 नंबर है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा ये छड़ना था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी उसने मान लिया कि दोष उसका है। 21 नंबर है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य क्या है, सरल रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगला है, 22वां था, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है छाटना था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी।
इस समय 4 बजे हैं। 23 और निम्नलिखित में से क्रमवाच बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी नंबर, यानी बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, एक कर्मवाच है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो ये है बी नंबर यानी कि करण। इस तरह आगे बोल पढ़ते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये होगा बी नंबर यानी अपादान से अलग होने पर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग छाड़ना था, तो इसका करेक्ट आंसर था डी यानी कि झील। 27 था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो दोनों वचनों में समान रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि सरसों, एक एक वचन बहुवचन सब में सेम रहता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वे आए थे। 29, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण बताना था, उदाहरण कौन सा है, तो निपात का उदाहरण है ए यानी कि ठीक। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि बताना था कि वाक्य में अशुद्ध क्या है, तो इसमें शब्द जो गलत था वो पूजनीय गलत था, यानी पूजनीय होता है ना कि पूजनीय। अगला है 31 नंबर, संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा था, इसकी लिप देवनागरी को स्वीकार किया गया, तो वेद अनुसार सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर यानी कि 343 अनुच्छेद में भाषा के बारे में बताया गया। निम्नलिखित में कौन से बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 33 नंबर है, मामला अभी विचाराधीन है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड का अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र है, तो बताना था वैयक्तिक पत्र जो है वो सी नंबर है, यानी कि मित्र को पत्र देना वो एक वैयक्तिक पत्र होता है। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। 37 नंबर में था कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा गया, तो यह पत्र किस कैटेगरी में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी नंबर यानी कि यह शिकायती पत्र है। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि ओ नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सी यानी कि अध्ययन। 40 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा बी यानी उत्तरदायी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 41 नंबर, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, तो इनमें से कौन एक संधि उस प्रकार की नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 42 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 43 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति। 44 नंबर था, पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो अधिकारी में उपसर्ग है वो है अधि। निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि अनुज। 47 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर है नौकरानी, यानी नौकरानी में नी नहीं बल्कि आनी लगा है प्रत्यय। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कुछ एक तत्सम शब्द नहीं है। 49 नंबर था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि पत्ता, एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि शोभन। रीजनिंग पोर्शन था, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है बी। और इसी तरह से 52 नंबर जो क्वेश्चन है,
इसका करेक्ट आंसर है डी। 53 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। चौवन नंबर जो था इसका करेक्ट आंसर है सी। पचपन नंबर जो था जो इसका करेक्ट आंसर जो है इस आकृति का वो है डी। अब हम आप सभी लोगों को जो जनरल नॉलेज यानी जीएस पोर्शन है उसके बारे में सॉल्यूशन दिखाते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन था, 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, यानी ये आखिरी गुरु थे सिखों के। 102 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। 103 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 104 नंबर जो, तो ऐसा क्वेश्चन आया था अकबर के बारे में, तो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। इसमें पहचानना था कौन सा मेल नहीं खाता है। 105 इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, भूकंप। 106 नंबर है, 106 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 24। 107 नंबर है तो इसका करेक्ट आंसर है ए। और जो क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 109 जो है इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बुल्जेजिया। भारत के पड़ोसी देशों में से जो गलत था उसको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बांग्लादेश। क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट खेला जाता है। 112 जो है तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और ये क्वेश्चन आया था, 21 से घटाकर 18 जो मतदान किया हुए किस अनुच्छेद किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 61 में संशोधन द्वारा। 114 बताना था, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। 115, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री उड़ान योजना चलाई गई। इसके बाद है, ये बताना था कि संसद के बारे में कुछ कथन दिए गए थे, बताना था इसमें कि कौन सा संसदकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्री परिषद का जिम्मेदार है। अगला है, कलकत्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पीसी महामलनोबिस का। 118 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 119 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 120, सात मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 1 अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एम वेंकैया नायडू। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहाँ गरीबी रेखा यानी बीपीएल के लिए है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है सी नंबर, यानी कि संबल योजना चालू की है जो गरीबों के लिए है, कम रुपए में खाने के लिए। थामस कप जिस समय क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि चीन। इसमें कुछ दिवस दिए गए थे, बताना था कौन सा इसमें मिलान नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है किस स्थान का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, यानी कि
भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक दूसरा है, 126 का पहला सही होगा। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? तो उसका करेक्ट आंसर है 2018। 128 ई राकम के बारे में आया था, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल रिलेसाइज्ड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड फार्म। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन था, कौन सा आर्थिक विचार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग। आईसीएआर रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा। अगला क्वेश्चन है जिसमें असंगत बताना था कि कौन इसमें मैच नहीं खाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी। इसमें कुछ एवोगाड्रो बायल का नियम सबके बारे में कथन दिए गए थे, बताना था कौन सा इसमें नहीं मेल खाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि होंड का नियम जो था इसमें मैच नहीं खा रहा था। आईने अकबरी किसने लिखा, ये क्वेश्चन आया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। असंगत मैच की पहचान करना था, आशा और इतिहास के बीच किसने लिखा, बिल क्लिंटन, बच्चे और जानवर, मार्क ट्वेन, ब्लैक होल, इसे दिए थे, तो बताना था कौन इसमें मैच असंगत मैच है, यानी गलत मैच है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, यानी कि ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया। कंप्यूटर में पिंग कमांड का प्रयोग क्या होता है बताना था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर, किसी प्रकार की गलती को परीक्षण करने के लिए होता है पिंग। अगला में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप में योग्यता परीक्षण जिसे किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो ओमआर सीट होती है। 138 में बताना था उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि लेजर प्रिंटर। अगला है कौन सा उपकरण था जिसकी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर भेजने के लिए यूज होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि फैक्स मशीन द्वारा फैक्स। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर था डी, यानी कि विक्टोरिया महल उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनमें से कौन सा स्थान धातु कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 200 बिलियन, लगभग 200 बिलियन। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे, क्वेश्चन जो करंट के थे, हिंदी के थे, और जिससे अंदाज़ा लग सकता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू टू ऑल।